मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन घर नहीं जाएंगे। सरकार ने लाखों लोगों के घरों में रोशनी और दिया जलाया है और कुछ जने ऐसे बच गए हैं जिनकी घरें अभी भी सुनी है। नौकरी वालों को ही नौकरी दिए हैं। आप ही के डाटा के अनुसार 28,000 नियोजित शिक्षक का रिजल्ट प्राइमरी में आया है। बिना तथ्य के बोलिएगा, कार्रवाई हो जाएगी। कार्रवाई होगा क्या होगा, फांसी होगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, 2 नवंबर को आपको मालूम है कि पटना के गांधी मैदान में शिक्षकों का महाकुंभ लगा था। आपको मालूम है कि जो सफल हुए अभ्यर्थी हैं वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की खूब तारीफें कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से अच्छा खासा नाराज हैं, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त गर्दनी बाग में ये अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं और साफ साफ कह दिया है कि हम यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। तो अब इनकी मांगे क्या है, आइए इन्हीं से जानते हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है, हम बांका जिला से आए हुए हैं। क्या हो गया है, धरने पर क्यों बैठे? धरने पर इसलिए बैठे हुए हैं कि सरकार जो मतलब मेरिट लिस्ट में जो लड़कों को शामिल या लड़कियों को किया है, खास करके प्राइमरी में जो सीटेट फेल थे उसका मेरिट लिस्ट में नाम आया है। अच्छा। और जो डीएलएड फेल थे उसका भी नाम आया है। हाँ। तो माननीय अतुल प्रसाद ने बोला है कि हम रिवाइज रिजल्ट देंगे, यानी कि सेकेंड मेरिट लिस्ट और उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट भी देंगे। तो हम उनसे यही विनती करना चाहते हैं कि जो हमारे नियोजित शिक्षक हमारा अधिकार को, जो हमारा एक सीट को ले रहे हैं, जो पहले से ऑलरेडी टीचर में है, आप उनको राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए। हाँ। आप उनको उनके ही सीट पर समायोजित कर दीजिए। हाँ। और जो शुद्ध बेरोजगार है आप उनको सेकेंड रिवाइज रिजल्ट यानी कि मेरिट लिस्ट में उनको मौका दीजिए। मतलब आप ये चाहते हैं कि सेकेंड लिस्ट जल्द से जल्द अगर नहीं आता है तो हम लोग मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन घर नहीं जाएंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन घर नहीं जाएंगे। क्या जाएंगे, घर जाके क्या मुंह दिखलाएंगे हम लोग? बोलिए, हम लोग मेरिट में आते हैं। अगर हम लोग मेरिट में नहीं आते हैं तो हम लोग नौकरी लेने का कोई अधिकार नहीं रखते। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुपेश कुमार। क्या कह रहे हैं आप? मैम देखिए, अभी जो बिहार सरकार जो ऐसे क्यों कह दिया कि हम लोग मर ही चुके हैं? क्या हो गया, इतना गम क्यों है भाई, किस बात का? बीपीएससी टीआरई 2.0 आ रहा है, आपको नहीं लगता है कि उसके लिए मेहनत कीजिए, निकालिए, सफल होइए? देखिए मैम, हम ईबीसी कैटेगरी में आते हैं और डीओबी के कारण ईबीसी का कट ऑफ 55 गया है, और मेरा डीओबी के कारण, जन्म तिथि के कारण नहीं हो पाया है। अच्छा। जबकि मेरा 55 नंबर है, इसीलिए हम बिहार सरकार से, आदरणीय नीतीश कुमार तेजस्वी प्रसाद जी से गुजारिश करना चाहते हैं कि सर आप लोग नियोजित शिक्षकों को उन्हीं के सीट पे समायोजित करते हुए और हम लोग का जल्द से जल्द जो आप बोले हैं सप्लीमेंट्री या रिवाइज रिजल्ट दो जो देना है वो जल्दी से जल्दी दे। मैं यही हम जल्दी दे। अच्छा, खराब जा चुका है हम लोग का पूरा दिवाली में उम्मीद है सरकार की खुशियां हम लोग को भी देगी। हाँ। हमारे घर में भी दिया जलेंगे। हाँ। और हम लोग जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं वो सभी कहीं ना कहीं। अच्छा, आप लोग को नहीं लगता है कि आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना कर रहे हैं, लगता है कि कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क पड़ेगा। कैसे लगता है फर्क पड़ेगा? जब धरना प्रदर्शन जब मर मिट जाएंगे तो काहे नहीं फर्क पड़ेगा। हम बिहार के मरने मिटने की क्यों बात कर रहे हैं? मौका है बीपीएससी टीआरई 2.0 मौका। इसे हम 2019 से आंदोलन कर रहे थे कि बहाली आना चाहिए। 21 में दिया, हम सीटेट पास हैं 100 नंबर से, बीपीएससी में 1 नंबर के चलते हमको नहीं हुआ है। हम बेरोजगार हैं, बाहर भी हम काम किए, हम अगर यहाँ पढ़ते रहते तो हमको नंबर आता। हम बेरोजगार थे, चल गए दिल्ली कमाए, वहाँ से आए, 2 महीना हम पढ़े तो इतना नंबर आया। पूरा उम्मीद था हमको कि हो जाएगा, मगर नियोजित वाला को इस सीट पर रख लिए, इसके चलते हमको नहीं। नियोजित शिक्षकों पर तो आप ही लोग उंगली उठा रहे थे, कह रहे थे कि ये लोग परीक्षा से डरते हैं, काबिलियत नहीं है, दिखा दिया नियोजित शिक्षकों ने। वाला को पास कैटेगरी पर से लिया गया है, 44 नंबर है, उसी से कम पर लिया गया है। नियोजित वाला को पास कैटेगरी से लिया गया है और हम लोग को ज्यादा नंबर पर लिया गया है। अच्छा, आप लोग को डर नहीं लगता? क्या नाम है आपका? किशोर कुमार नाम है। अच्छा किशोर जी, डर नहीं लगता है कि इस तरह से धरना कीजिएगा, इस तरह से कुछ गलत सलत बोलिएगा, बिना प्रमाण के तो कार्रवाई हो नहीं? गलत कुछ नहीं कर रहे हम लोग, तो अनुरोध कर रहे हैं सर से कि जो नियोजित टीचर है तो ऑलरेडी जॉब में है मैम। हाँ। और हम लोग जॉबलेस बैठे हुए हैं। हाँ। जो कि हम लोग क्वालिफाइड हो चुके हैं बीपीएससी, जो पहले अर्हता रखे थे वो क्वालिफाइड कर लिए, उससे ज्यादा ही नंबर है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग बैठे हुए हैं। चाहते क्या है? चाहते हैं कि मैम कि एक फ्रेश रिजल्ट आए। हाँ।
जिसमें जो नियोजित टीचर है उन लोग तो ऑलरेडी जॉब में है ही मैम, उनको काउंट ना करते हुए उनके जगह पे जो शेष बच जाते हैं ना, और उनको जगह मिले, हम लोग को मिले, फ्रेश वाले को मिले, फ्रेश वाले को जगह मिले, ये चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नीरज किशोर है, मैं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा नीरज, क्या है जरा पहले ये पढ़ के हमको बताइए। ये जो है हमारे परिवार के जो मुखिया है आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार और उनकी जो सरकार है महागठबंधन की सरकार, उनसे हम लोग भी उनके परिवार के। पढ़िए इसमें क्या लिखा है। जी मैं इस मैं आपके आपके चैनल के माध्यम से ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन रखा है, जो कि आज से हम लोगों ने इसको शुरू किया है, और इसका मुख्य कारण ये है कि हम सबसे पहले ये पढ़ के हम आपको बताते हैं कि आखिर इसमें लिखा हुआ क्या है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि बिहार सरकार से विनती प्रार्थना, नियोजित शिक्षक को अपने सीट पर समायोजित कर दूसरी मेधा सूची जारी करें, बेरोजगार युवाओं को मौका देकर छात्रों की जिंदगी को सवारें। अरे क्या बात कर रहे हैं, इधर तो अभ्यर्थी तारीफ कर रहे हैं कि क्या काम किया है, बिहार पहला राज्य इतनी बड़ी बहाली, भाई सब तो तारीफ। जी एकदम तारीफ के काबिल है। आप लोग तारीफ नहीं, हम लोग तारीफ, हम लोग यहाँ हम लोग तारीफ करने ही आए हैं, और ये वास्तविक में तारीफ ऐसे धरना मैं 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 अपनी बातों को रखना चाहता हूँ। मैं यहाँ तारीफ करने ही आया हूँ कि ये पूरे भारत में हमारा बिहार हर चीजों के लिए कहीं ना कहीं हर चीजों के लिए बिहार को टोंट कसा जाता था। अब क्या हो गया? देखिए जैसे कि हमारी बहुत ज़्यादा बहाली हुई है तो स्वाभाविक बहुत कम समय में हुई है, तो उसमें हो सकती है कि छोटी मोटी गलतियां आ सकती है। अच्छा। तो हम लोग यहाँ अपने परिवार के जो मुखिया हैं उनसे एक्चुअली निवेदन करने आए हैं। अच्छा। कि सर हम लोगों पे थोड़ा ध्यान दिया जाए और आप निश्चित रूप से हमारा ध्यान देंगे। हाँ। है ना, हम लोग यहाँ विनती और निवेदन करने के लिए आए हैं कि आप हर आप लोगों सरकार ने लाखों लोगों के घरों में रोशनी और दिया जलाया है, और कुछ जने ऐसे बच गए हैं जिनकी घरें अभी भी सुनी है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग चाहते क्या है, विशेष कुछ नहीं, हमारा एक ही मांग है, जितने भी हम यहाँ जो भी बेरोजगार भाई बंधु हमारे बैठे हुए हमारे जैसे, उनको जो नियोजित शिक्षक है वो जो हमारे बड़े भैया के समान है, उनको उनके सीटों पे समायोजित करके दूसरा मेगा सूची जारी किया जाए। ठीक है। क्या नाम है आप? विजय कुमार। अच्छा विजय जी, क्या हो गया है, आप लोग यहाँ बैठे हुए? देखिए हम लोग अपने मजबूरी के चलते बैठे हुए हैं, सरकार के गलत नीतियों के चलते। सरकार की गलत नीतियां, क्या बात कर रहे हैं, यहाँ सब तारीफें कर रहे हैं आप। सरकार की ये गलत नीति है कि आपने जॉब वालों के ही जॉब दिए हैं। अच्छा। नौकरी वालों को ही नौकरी दिए हैं। आप ही के डाटा के अनुसार 28,000 नियोजित शिक्षक का रिजल्ट प्राइमरी में आया है। अगर उस सीट पर अगर बेरोजगार अभ्यर्थियों को ले लिया जाता तो आज कितना खुशी का माहौल। आप ही लोग तो कह रहे थे कि नियोजित शिक्षक डरते हैं, नियोजित शिक्षक का ऐसा परीक्षा देकर दिखा दिया है। नहीं, ऐसा कुछ व्यक्तियों के द्वारा बोला गया होगा, लेकिन हम लोग ऐसा कभी नहीं बोले। सरकार जब मान लीजिए कल भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अनाउंसमेंट किया कि हम उन लोगों को राजकर्मी बनाएंगे, तो जो हमारे बड़े भैया नियोजित शिक्षक BSc TRE 1.0 पास किए हैं उनको अपने ही सीट पर नियमित किया जाए, और जितना सीट बचता है DLED फेल को हटा करके सीटेड फेल को हटा करके उस पर नया सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। मतलब चाहते हैं कि जल्द से जल्द सेकंड मेरिट। जी ताकि हम बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार मिल सके। जी पवन कुमार हुआ, वैशाली जिला से है। अच्छा, पवन जी क्या हो गया, यहाँ पर क्यों बैठे? दिक्कत मैम इसीलिए है कि मतलब जो देखिए 1,20,000 का मतलब नियुक्ति पत्र मिला है। हाँ। हमें इस पे मतलब कोई एतराज नहीं है। हाँ। खुशी की बात है, हम लोग भी खुशी किए। खुशी की बात है तो आपको जश्न मनाना चाहिए, आप लोग उसमें भंग डाल रहे हैं, रंग में भंग। नहीं, रंग में भंग हम लोग नहीं डाले हैं, हम लोग अपना अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। लोकतंत्र में सबका अधिकार होता है। क्या आपको कौन सा अधिकार से वंचित कर दिया? अधिकार से इसलिए वंचित है कि जो भी कटा मार्क्स ऊपर है अब उसमें जो है 1,20,000 का नियुक्ति पत्र मिला है। हाँ। जो कि आप भी जानते हैं कि फाइनल रिजल्ट आता है ना कि ओरिजिनल मिलता है। आप ओरिजिनल देने का मतलब उसमें सीटेड फेल वाला का भी है, डीलेड फेल वाला की मेरिट बना है, बात समझ जाइए। बड़ी बात कह रहे हैं आप, आपको डर नहीं लग रहा है, कार्रवाई हो रही है BPSC बिना मैम क्या तथ्य के? नहीं तो BPSC के पास नहीं है। आप जो बोल रहे हैं तथ्य की बात बोल रहे हैं तो आप बता दीजिए कि हम सीटेड फेल डीलेड फेल का रिजल्ट नहीं दिए हैं, आप तो पहले नहीं लिए थे। बिना तथ्य के बोलिएगा, कार्रवाई हो जाएगी। कार्रवाई होगा क्या होगा, फांसी होगा, इससे ज्यादा क्या होगा, कुछ होगा? अरे बाप, हम कहने का मतलब आयोग से हम एक बात सवाल करना चाहते हैं। हाँ। कि आपके पास डाटा नहीं है सीटेड फेल वाला का, बताइए कि रिजल्ट दिया है कि नहीं, डीएलएड फेल वाला का रिजल्ट दिया कि नहीं।
अच्छा ये बताइए अब क्या करने का सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि हम लोग इस पर धरना पर मतलब कि जितना तक? जितना दिन तक चलेगा तो करते रहेंगे। बात कर रहे हैं? बात जितना दिन तक करना होगा करेंगे मैम। उतने दिन तक जी जी, इसीलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जैसे जारी किया जाए, क्योंकि अतुल प्रकाश जी बोले हैं कि हम सेकंड मेरिट जारी करेंगे, क्योंकि उसमें देखिए उसमें बहुत सारा सीट खाली है और जो मिनिमम क्वालिफाई से मार्क्स ऊपर दो चार नंबर छूट गया है सबको सेकंड मेरिट में चाहते हैं कि जल्द से जल्द सेकंड, हाँ जल्द से जल्द सेकंड मेरिट जारी किया जाए। सरकार से यही मांग है, आयोग से यही मांग करते हैं। अच्छा मनीष जी क्या हो गया है यहाँ पर सिर्फ गर्दनी बाग में धरना फिर बैठे हैं? मैम हम लोग को सिर्फ एक मांग है कि नियोजित को अपनी सीट पे समायोजित करके और जितने भी बेरोजगार है क्योंकि उस सब ऑलरेडी पहले से रोजगार में थे उसको फिर से मतलब लग रहा है कि किसी ने हक मार लिया। यस मैम वही क्या लगता है धरना से कोई फायदा होगा? वो तो अब हम लोगों का मतलब लीडर हैं, हम लोगों के मुखिया हैं नीतीश कुमार, वही जो अब हम लोगों पर विचार विमर्श करेंगे। हम लोगों को सिर्फ एक ही मांग है कि नियोजित को अपनी सीट पे समायोजित करके, मतलब चाहते हैं कि नियोजित वालों को हटा दिया जाए, हटाने दो आप उसको अपनी सीट पे समायोजित करके राजकर्मी बना दिया जाए और हम लोगों को उस पर फ्रेश बहाल किया जाए, फ्रेश कैंडिडेट। तो सुना आपने कि यहाँ पर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों की क्या मांगे हैं? देखिए साफ साफ कह दिया है कि जल्द से जल्द सेकंड लिस्ट जारी कर देनी चाहिए और हमें हमारा हक मिल जाना चाहिए। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।